नमस्कार, मैं आपकी होस्ट ओल्डी बोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको एक प्योर महाराष्ट्रियन रेसिपी बताने वाली हूँ। हम इसको भाजणी का थालपीठ बोलते हैं। तो ये क्या है भाजणी? क्या भाजणी तो हल्ली सब जगह मॉल में मिलती है आजकल। तो ये भाजणी का थालपीठ मैं अभी आपको पूरा सामान बताती हूँ और कैसे बनाना है वो भी बताती हूँ। चलिए हम किचन में चलते हैं, आइए। इस थाली पीठ में डालने के लिए ये सब सामान मैंने बन लिया है। ये बारीक कटा हुआ प्याज मशीन पर काटा है, ये प्याज, और फिर ये अजवायन है मेरे पास, ये हल्दी, ये हींग, ये तिल्ली, सफेद तिल्ली भून कर ली है, ये हींग है और नमक। तो ये सामान मैं अब अलग रख देती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे यहाँ भाजणी बनाई जाती है। भाजणी यानी क्या? तो ज्वार, गेहूँ, आटा, बाजरा, ये सब जो अनाज रहता है इसको अच्छे से भूना जाता, धोकर थोड़ा सुखा कर चावल अच्छे से भूना जाता है। उसमें चने की दाल, थोड़ी मूंग की दाल, इस तरीके से थोड़ी दालें भी डाली जाती है। तो ये भून कर ये पूरा आटा हल्का किया जाता है, तो इसे हम भाजणी बोलते हैं। क्योंकि भून कर हम लोग मराठी में भूनने को भाजणे ऐसा बोलते हैं। तो ये भून कर ये बनाया जाता है। तो अभी क्या है कि इसको फिर थाली पीठ लगा कर इसमें प्याज ही डाला जाता है और बगैर प्याज का भी। नवरात्रि में बहुत से लोग भुना हुआ अनाज का खाते हैं, 9 दिन उनके उपवास रहते हैं। तो फिर वो उपवास में भुनी हुई चीजें ही खाई जाती हैं। ये भाजणी मेरे दोस्त ने बनाई है, बहुत अच्छी वो बनाती है, तो मैंने उनके पास से खरीदी है। ये भाजणी मैं आपको दिखा रही। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। इसमें ज्यादा पानी नहीं लगता है और इसे हमें गाढ़ा ही गूथना पड़ता है। इसे हम पतला नहीं गूथ सकते, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा गूथ कर जैसे भाकरी हम तवे पे लगाते हैं उस तरीके से, या फिर नीचे हम भाकरी बनाकर लगाते हैं। तो मुझे नीचे लगाकर भाकरी लगाकर नहीं, वैसे भाकरी जैसे लगाकर बनाना नहीं आता, तो मैं तवे पर ही डायरेक्ट लगाती हूँ। अब इसमें मैंने ये थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है, ये हल्दी, और भाजणी में धने भी डाले जाते हैं, जीरा भी डाला जाता है। तो ये अजवाइन पूरा, ये तिल्ली पूरा, दो दो चम्मच ही है इसलिए डाल रही हूं, ये हींग और ये हल्दी, सॉरी ये नमक, ये थोड़ा नमक मैंने इसमें डाल दिया है। ये एक भाजणी का मैं लगाई रही हूँ, भाजणी की थाली पीठ, ये एक आपको लगाया हुआ दिखा रही हूँ। ये अभी तवे पर अच्छा हो गया है, इसको अब हम पलट देते हैं। अब ये होते रहेगा और अभी ये भाजणी का आटा गूंथ कर मैं आपको बताती हूँ। ये आटा मैंने गूंथ लिया है। अब मेरा तवा बहुत गर्म है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग पानी डालते हैं। गर्म तवे के ऊपर मैंने गैस सिम कर लिया है और मैंने अभी ये पानी डाल लिया। अब तवा ठंडा हो जाएगा। अब इसके ऊपर ये जो मैंने आटा गूंदा था, इस आटा को मैं एक साथ कर लेती हूँ। बड़ी लोई लेना है और इस लोई को मैं हाथ पर ही फैला ले रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरी गोल उसके ऊपर रखने के बाद उसको आजू बाजू वो कट जाता है। तो अब ये हो गया। अब मैं यहाँ इसको तवे को ग्रीस कर रही हूँ और ये तेल के ऊपर मैंने मेरी लोई रख दी है और अब मैं इसको फैलाऊंगी। तो हाथ को पानी लेकर इसको फैलाना है, सिम गैस पर ही ये काम आपको करना है।
बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। हाँ, ये आटे को जब मैंने भिगाया था तो मैंने उसमें हरा धनिया डाला था, मैं आपको दिखाना भूल गई, इसीलिए आपको इसमें हरा धनिया दिख रहा है। भाकरी जैसी मोटी रहती है उतना ही मोटा ये बनाया जाता है। अब इसके ऊपर मैं तेल डाल देती हूँ, इसको हम पकने को रख देंगे, थोड़ा गैस बड़ा कर दिया है। जब पक्के तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, इस थाली पीठ के साथ दही को खाया जाता है क्योंकि नवरात्रि में बहुत लोग अनाज भूनकर खाते हैं, ये मैंने आपको बोला है। तो भूने हुए अनाज में क्या होता है, हमारे पेट में कुछ भी पतला नहीं जाता। नवरात्रि में जब बनाते हैं तो इसमें प्याज नहीं डाला जाता है, तो इसके साथ हमेशा दही खाया जाता है। तो मैंने ये दही चटका बनाया है, मैं आपको अभी ये दही चटका बताती हूँ ये कैसा किया है। दही को मैंने लिया, हरी मिर्च और लहसुन, जीरा और धनिया और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाली तो इसका कलर ये ऐसा आ गया। उसको मैंने पीस कर दही में डाल दिया। दही में मैंने शक्कर और नमक पहले ही मिलाकर रख दिया था, तो अब ये मेरा दही चटका बन गया है। लेकिन दही चटके पे हमेशा तड़का दिया जाता है, तो अब देखिए ये मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच तेल इसमें डाला है। अब मैं तेल को गरम करके राई फोड़ लेती हूँ। सिर्फ राई और हींग का तड़का इसमें दिया जाता है और ये दही चटका फिर थाली पीठ के साथ बड़े मज़े से खाया जाता है। अब इसे तेल को गरम होने दो, मैं आपको वो तड़का दिखाती हूँ और फिर हमारा थाली पीठ के साथ खाने के लिए हमारा ये दही चटका भी तैयार हो गया। तो राई को फूटने देते हैं, राई मैंने डाली है। ये भी देख लीजिए, थोड़ा अभी होने का है, ये जब हो जाएगा मैं इसको पलट कर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमारी ये राई अच्छे से फूट गई है। अब इसमें मैं हींग डाल रही हूँ और ये मेरा तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब इस तड़के को मैं इस चटनी पर डाल रही हूँ। तो मेरा अब थाली पीठ के साथ खाने के लिए ये दही चटका भी बन गया है। इसको फिर हम एक बोल में निकाल लेंगे और फिर परोस देंगे। तो अब देखिए इसको हम देख लेते हैं, नीचे से ये अच्छा बन गया और ऊपर मैंने तेल डाला था। मैं इसको पलट रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये जो भाजनी है ये ब्रिटल रहती है और फिर ये मतलब टूटता है, जब आप पलटते हो इसको तो ये टूटने लगता है। तो ये छोटे छोटे ही ऐसे बनाए जाते हैं, आप चाहे जितने खाओ, खाने के लिए कुछ नहीं। और जैसे ही ये पेट में जाता है, 1, 2, 3 के बाद आदमी एकदम ठंडा हो जाता है क्योंकि इसमें हमने ज्वार, बाजरा, चावल, चने की दाल, मूंग की दाल, रागी और कुछ कुछ धने, जीरा, बहुत सारी इसमें जो अनाज आपके यहाँ जो पकता है वो ही डालते हैं। तो ये बहुत पौष्टिक हो जाता है और पेट में जाने के बाद हमें कभी भी इससे पेट की शिकायत नहीं होती है। ये
ग्लूटेन फ्री तो है ही, लेकिन ये डाइट फुल थाली पीठ है। घर में बूढ़े बाड़े होंगे उनके लिए, बच्चों को टिफिन में देने के लिए। और भाजनी आपको मॉल में मिल जाएगी, बड़े बड़े ब्रांड की भाजनी आती है बहुत अच्छे से। महाराष्ट्र में भाजनी के ब्रांड बहुत है और उनकी बहुत सारी भाजनी बेची जाती है, तो आप वो आपके भी एरिया में ब्रांड आता होगा वो, क्योंकि ये भाजनी के ब्रांड बाहर अमेरिका कनाडा इन देशों में भी जाते हैं, तो आपको भी ये भाजनी कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। जब आपका नवरात्रि का उपास है तो आप उन दिनों सिर्फ लाल मिर्च नमक ऐसा डालकर, हल्दी डालकर आप खा सकते हो, हींग हल्दी ये सब डालकर आप खा सकते हो, प्याज मत डालिएगा। अगर ककड़ी है तो थोड़ा ककड़ी डालकर भी आप खा सकते हो, क्योंकि हम लोग उपास को ककड़ी खाते हैं। ककड़ी यानी मैं खीरा बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम आप खीरा खाते हो नहीं खाते हो, वो मुझे नहीं मालूम। ये देखिए बहुत अच्छा ये क्रिस्पी बन गया, मैं इसको अभी निकाल रही हूँ। अब मैं और आती हूँ और आपको बताती हूँ। अब देखिए ये भी मेरा बन गया है, ये देखिए कितना क्रिस्पी और बहुत अच्छा ये बन गया है। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ। देखिए हमारा भाजनी का महाराष्ट्रीयन थाली पीठ, और ये चटका, चटके पे मैंने सिर्फ सजाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, तो इसके ऊपर घी भी लेकर खाया जा सकता है, सिर्फ दही के साथ भी खाया जा सकता है। उपास के दिनों में प्याज बिना प्याज डाले ही सिर्फ इसको लगाकर खाया जाता है, जैसे एक टाइम अगर कोई भुना हुआ अनाज खाता है तो। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे जरूर जरूर आप बताइए। हमारी ये खास महाराष्ट्रीयन रेसिपी है तो मैंने आपको आज बताई, मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए खाइए खिलाइए। आपकी उल्टी गुल्ली को अच्छी अच्छी कमेंट्स जरूर जरूर भेजिए। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी है।